बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही सैयदना मुहम्मदिन व असहाबिही सैयदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैह। हमारे मुल्क में लोग कलम को लिखने से ज़्यादा शलवार में नाड़ा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कौम समाजी, मुआशी और तालीमी तरक्की कैसे करेगी जो मिरासी को उस्ताद, दर्जी को मास्टर, जाहिल को दरवेश, जालिम को ताकतवर, कमज़र्फ को मीर, वडेरे को साईं, दादागीर को भाई और किसी भी नंगे पागल शख्स को बाबा जी मानते हैं। ज़रा सोचिए। ये सैलड बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है। इसके लिए सबसे पहले हमने स्वीट कॉर्न बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। जितनी देर में हमारे स्वीट कॉर्न बॉयल होते हैं, हम अपनी वेजिटेबल्स को कट करते हैं। इस सैलड में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते हैं, वो थोड़ी सी सब्जियां डाल के इसको हम बहुत ही मज़े की बना सकते हैं। सैलड जिसको भी आप एक दफ़ा खिलाएंगे वो इसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। मेरे घर में जो भी आता है और ये खाता है उसको वो सैलड ज़रूर पसंद आती है। उसके लिए मैंने ली है थोड़ी सी पर्पल कैबेज। आपके पास पर्पल है या दूसरी वाली है, इट्स अप टू यू, आप कोई सी भी ले सकते हैं। एक अदर टमाटो लिया है, क्यूकम्बर लिया है और कैरेट लिया है। स्वीट कॉर्न जैसा कि आपको बताया है कि बॉयल हो रहे हैं। अब इन वेजिटेबल्स को मैं कट करती हूँ, उसके बाद बाकी और इसमें क्या क्या डलेगा वो आपको दिखाते हैं। जी, वेजिटेबल हमारी कट गई है, क्यूकम्बर, टमाटो, कैरेट, कैबेज। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। एड स्वीट कॉर्न, एड करेंगे थाइम, बहुत ही जल्दी और बहुत ही डिलीशियस ये रेडी होती है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे स्लाइस ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, क्योंकि ब्लैक ऑलिव इसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं देती। मैंने लिए हैं ब्लैक सीड्स यानी कलवंजी और सीसम सीड्स यानी सफेद तिल। अगर आपको सैलड स्पाइसी खानी है तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास है अलमराई की फेटा चीज़। आप किसी भी कंपनी की फेटा चीज़ ले सकते हैं। इस फेटा चीज़ को अपने क्यूब्स में कट करके इसमें ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने आपको जो दिखाई थी फेटा चीज़ जिस पे मैंने सीड्स डाले हैं, क्योंकि अगर आप इन पे ये सब सीड्स नहीं डालेंगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये सीड्स के साथ ही टेस्ट इसका आता है। इसको हम इस पर ऐड करेंगे और एक और इसमें चीज़ क्या डालनी है वो हम डालेंगे इसमें अलमराई की चेडर चीज़। ये अलमराई की चेडर चीज़ है, इसको हम ब्लॉक्स की सूरत में कट करेंगे। ये भी इसके टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त लगती है इस सैलड में जब हम ये ऐड करते हैं। फेटा चीज़ की जो है वो इतनी डेट नहीं होती, हार्डली 3 से 4 दिनों में वो स्मेल देना शुरू हो जाती है। और जो है चेडर चीज़ ये काफ़ी देर तक निकल जाती है। जब भी आप चेडर चीज़ यूज़ करें उसको बाद में अच्छे से क्लिंग फ्लिंग लगा के किसी एयर टाइट बॉक्स में डालें, अदरवाइज़ जो है ये हार्ड हो जाती है। अब हमने इसके ऊपर डाली चेडर चीज़। गर्मियों में खाना खाने को दिल नहीं करता तो कुछ ऐसा रिफ्रेशिंग चीज़ होती है जो आपका पेट भी भर दे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रखे और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो, तो ये सैलड उसके लिए बेस्ट है। बहुत ही हेल्दी और जल्दी से बनने वाली डिलिशियस और कलरफुल सी ये सैलड है। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप इसको ट्राई करें कि आपकी फैमिली को ये सैलड कैसी लगी। स्पेशली ईद पे ये सैलड ज़रूर बनाइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखें याद, अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखें ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।